आजकल हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट होते हैं और बैंक से पैसा निकलने के लिए हम लोग एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। एटीएम से पैसा निकलना सभी लोगों को आता है, लेकिन कई कबार मशीनों की गड़बड़ी से हो या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एटीएम मशीन से पैसा बाहर नहीं आता है, और ऐसे में लोग बहुत घबराते हैं कि उनका पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को ना मिले। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड को स्वाइप करके पिन नंबर डालने के बाद और बैंक से पैसा डेबिट होने का एसएमएस मिलने के बाद भी यदि आपका पैसा एटीएम मशीन से बाहर नहीं आते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना है, इसी बारे में इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप पैसा निकालने के लिए एटीएम में जाते हैं और एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड और पिन नंबर डालकर पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन अगर सही पिन नंबर डालने के बाद और बैंक की तरफ से पैसा डेबिट होने का एसएमएस मिलने के बावजूद भी यदि आपका पैसा एटीएम मशीन से बाहर नहीं आते हैं, तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जल्दबाजी ना करके एटीएम में आपका अकाउंट्स का मिनी स्टेटमेंट देख लीजिए, ताकि आपको पता चले आपका लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है और अकाउंट्स में बैलेंस कितना है। अगर आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना नहीं आता है या आपको वही एटीएम में दोबारा कार्ड को स्वाइप करने से डर लग रहा है, तो आप आपका बैंक का पासबुक को अप टू डेट करके या फिर स्मार्टफोन में अपना बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप बैलेंस देख सकते हैं। और अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आप टोल फ्री कस्टमर केयर से बात करके आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है ये सब जान सकते हैं। हर बैंक का कस्टमर केयर नंबर अलग अलग होते हैं, और अगर आपको कस्टमर केयर से फ़ोन करना है, तो आप वीडियो में दिखाई गई इस फोटो से आपका बैंक सिलेक्ट करके कॉल कर सकते हैं। इसी तरह का प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं होते हैं, लेकिन कभी अचानक टेक्निकल प्रॉब्लम से हो या फिर मशीनों की खराबी से एटीएम से पैसा बाहर नहीं आते हैं, ऐसे मामले में आपका बैंक पूरा जिम्मेवार है और आपका अकाउंट से डेबिट हुआ पैसा वापस देना बैंक का ही जिम्मेवारी होती है। ज़्यादातर बैंक 24 घंटे के अंदर ही पैसा वापस कर देते हैं, लेकिन कभी 24 घंटे से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि बैंक हॉलीडे में पैसा रिफंड नहीं करते। इसलिए अगर आपको तनाव हो रहा है, तो आप आपका बैंक का कस्टमर केयर से बात करके पूछ सकते हैं कि आपका पैसा कब वापस दिया जाएगा, और यदि आप ग्राहक अधिकारी से बात करके संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आपका ब्रांच में जाकर ब्रांच मैनेजर को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, और हाँ, ये एप्लीकेशन आपको 7 दिन के अंदर ही बैंक में देना होगा। बैंक ग्राहक के रूप में और एक सलाहकार के रूप में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कभी ऐसी घटना होती है, तो आप निश्चिंत रहे और आपसे डेबिट हुआ पैसा वापस आपका अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखें, आप आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स, एटीएम कार्ड का डिटेल्स और पिन नंबर कभी किसी के साथ शेयर ना करें। फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बगल में जो घंटे वाला बटन है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसा नया वीडियो अपलोड करता हो तब आप देख पाए। तो मुलाकात होगी आपसे एक नया वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सुरक्षित रहे। तब तक के लिए गुड बाय।